मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सिंस लास्ट 20 इयर्स। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ये रूबेला प्रेगनेंसी में कैसे अफेक्ट होता है और उससे बचने के लिए हमें क्या करना है। अक्सर पेशेंट ओपीडी में आते हैं, पूछते हैं, मैम इतनी सारी ऐड गवर्नमेंट अभी कर रही है ये रूबेला इन्फेक्शन की, मैम ये होता क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। रूबेला इन्फेक्शन ये एक वायरल इन्फेक्शन रहता है। जब रूबेला से पेशेंट इन्फेक्ट हो जाता है, जब रूबेला हम कैच करते हैं तो बुखार आ जाता है, शरीर पे रैशेस आ जाते हैं, जोड़ों का दर्द शुरू होता है, जॉइंट में पेन होता है, और बहुत बार ऐसे होता है ये हम लिंक नहीं करते कि ये रूबेला है, क्योंकि बहुत सारे अदर वायरल इन्फेक्शन के जैसा ये हो जाता है। लेकिन ये रूबेला से इन्फेक्टेड पर्सन ने कभी खांस लिया, सींक आ जाती है, तो ये रूबेला का इन्फेक्शन हवा में फैल जाता है और जब ये प्रेग्नेंट लेडी के नज़दीक हो जाता है, ये प्रेग्नेंट लेडी ये कैच कर लेती है तो अपने होने वाले शिशु पे असर हो जाता है। जब गर्भवती महिला पहले तिमाही में हो और इन्फेक्टेड रूबेला पर्सन से उसका कॉन्टेमिनेशन हुआ रहेगा तो ऑलमोस्ट 60% बढ़ने वाले शिशु अफेक्ट हो जाते हैं। समझो ये दूसरे तिमाही में उसने कैच कर लिया तो ऑलमोस्ट 25% होने वाले शिशु इन्फेक्ट हो जाते हैं, और समझो तीसरे तिमाही में उसने इन्फेक्शन कैच कर लिया तो ऑलमोस्ट 10% बढ़ने वाले शिशु अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये अफेक्शन होता क्या है? ये रूबेला का इन्फेक्शन जो माँ ने कैच कर लिया है, माँ को फीवर आ जाती है, रैश आ जाती है, जोड़ों का दर्द हो जाता है, लेकिन बेबी पे क्या असर होता है वो हम जानेंगे। उस बेबीज को बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। उसमें बेबी को होने वाले शिशु को ब्लाइंडनेस हो जाता है, आगे जाके दिखाई नहीं देता, डेफनेस हो जाती है, कभी सुनाई नहीं देता, कभी कभी बेबीज़ के हार्ट में डिफेक्ट आ जाता है, लाइक बेबी के हार्ट में होल बन जाती है और मेजर हार्ट डिफेक्ट बेबी में हो जाता है, और कभी कभी मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है, बच्चे का मेंटल ग्रोथ ये अच्छी तरह से नहीं होता, इतनी भयानक कॉम्प्लिकेशन बच्चे में आ जाते हैं। तो गर्भवती महिला ये इन्फेक्शन से पीड़ित होती है तो हम लोग उन प्रेगनेंसियों को टर्मिनेट करने की सलाह देते हैं, गर्भपात करने की सलाह देते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये रूबेला इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में नहीं होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। रूबेला से बचने के लिए प्रेगनेंसी में हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ हमें करना होता है वो प्रेगनेंसी से पहले करना ज़रूरी होता है। ये कंसेप्शन से पहले, प्रेगनेंसी से पहले हमें प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तब डॉक्टर आपको ब्लड की जांच करने की सलाह देते हैं। ये ब्लड की जांच में हम रूबेला के एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। समझो आपके शरीर में रूबेला के एंटीबॉडीज है, मींस आपकी रूबेला आईजीजी टेस्ट जो पॉजिटिव रहती है तो ये अच्छी साइन रहती है, आपको वैक्सीनेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी ये रूबेला से बच गए हैं। क्योंकि रूबेला का इन्फेक्शन ऐसा होता है, वो एक बार ज़िंदगी में हो गया तो वो वापस नहीं होता, और आपकी रूबेला आईजीजी टेस्ट निगेटिव हो गई तो आपको रूबेला से बचने के लिए वैक्सीनेशन करने की ज़रूरी है।
तो रूबेला का वैक्सीनेशन सबको दिया जाता है, लड़कियों को दिया जाता है, लड़कों को दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को उम्र से 11 से 13 साल तक ये रूबेला का बूस्टर डोज दिया जाता है। ये रूबेला वैक्सीनेशन होने के बाद आप 3 महीने तक प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना है, 3 महीने तक आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स लेनी होती है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया ये रूबेला होता क्या है, ये प्रेगनेंसी में बेबी पे कैसे अफेक्ट करता है और उससे बचने के लिए हमें क्या करना है। इस विषय में आपके कुछ शंकाएं रहेगी तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।